गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच ऑल ऑफ यू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक आई हैव टाउड समथिंग अबाउट दिस लेसन नाउ कंसीडर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन आपको बताए थे इलवाइन नाम की एक लड़की थी जो धीरे धीरे पूरी तरह से बहरी हो गई थी लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा ख़ास करके दिखाई जो सभी लोगों से संभव नहीं है वह कंपन के आधार पर अपना संगीत पेश करती थी वह एक प्रसिद्ध जो है प्रोक्योनिस्ट थी तबला वादक थी और कंपन के आधार पर वह बहुत आगे तक बढ़ी अब देखिए हम पार्ट थ्री से पैराग्राफ थ्री से पुनः शुरू करते हैं बट इलवाइन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन इलवाइन जो थी वह छोड़ने नहीं जा रहे थे शिवाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसुअर हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक वह दृढ़ प्रतिज्ञ थी एक सामान्य जीवन व्यतीत करने व्यतीत करने के लिए और म्यूजिक में अपना संगीत म्यूजिक में अपना आनंद जारी रखने के लिए वह म्यूजिक में अपना संगीत में अपना रुचि जारी रखने के लिए डिटरमाइंड थी दृढ़ प्रतिज्ञ थी वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलो फोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलो फोन एक दिन उसने एक लड़की को देखी जो जैलो फ़ोन बजा रहे थे और उसने फैसला किया कि वह भी इसे बजाना चाहती थी मोस्ट ऑफ द टीचर्स हर अधिकांश जो इसके शिक्षक थे वो इसको निरुत्साह इसको फ्रस्टेट किए बट प्रोकोनिस्ट रॉन फॉरबेज लेकिन एक जो तबला बदल थे जिनका नाम था रॉन फॉरबेस स्पॉटेड हर पोसेंशियल उन्होंने इसकी पोसेंशियल को इसकी सामर्थ को इसकी गुणवत्ता को पहचाने ही बिगेन बाई टर्निंग टर्निंग टू लार्ज ड्रम्ब्स टू डिफरेंट नोट्स उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रामों को भिन्न भिन्न स्वर में बजाकर शुरुआत किया दो जो बड़े बड़े ड्राम थे उसको उन्होंने दो स्वर में बजाया डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्ची तुम इसको अपने कान से सुनने की चेष्टा मत करो डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे इसको कुछ दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो सेज इलेवेन एलवन कहती है सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे ड्रम को कमर से ऊपर ऊंचे ड्रम को कमर से ऊपर एंड द लोअर वन द वेस्ट डाउन और नीचे ड्रम को कमर से नीचे महसूस कर सकती थी उसने महसूस किया कि जो आवाज़ जिसका ऊंचा था उसको वह कमर से ऊपर की आवाज़ ऊपर अनुभव किया और जो लो था उसको कमर से नीचे फोरबेस रिपटेड द एक्सरसाइज प्रोबेस ने इस अभ्यास को दोहराए एंड सुन इलवाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी और शीघ्र ही इलेवेन को लगा कि वह निश्चित स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में महसूस किया उसको ऐसा लगा कि जो निश्चित स्वर हैं उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों में गूंज रहे हैं आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड मैंने अपने दिमाग को खोलना सीख गया एंड बॉडी और बॉडी को टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन आवाज़ और कंपन के प्रति मैंने ध्वनियों और कंपन से अपने दिमाग और शरीर को खोलना सीखा था ध्वनि और कंपन के माध्यम से मैं अपने दिमाग और शरीर को खोलना सीख गया था द रेस्ट बाद सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क और बाकी जो चीज़ें थी वह सीर डिटर्मिनेशन केवल निश्चय और कड़ी मेहनत केवल निश्चितता थी, थी मन में इस बात को ठान लेना है कि इसे करना है और इसके लिए कठिन परिश्रम करना है सी नेवर लुकड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनबर्ड्स और उस बिंदु के बाद से वहाँ तक पहुँचने के बाद वह कभी भी पीछे मुड़ कर के नहीं देखी इसके बाद वह सदैव आगे ही बढ़ती गई सी टूरे द यूनाइटेड किंगडम विथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम शिवाज सिक्सटीन she had डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ she टूरेड द यूनाइटेड किंगडम वह यूनाइटेड किंगडम की यात्रा किया एक युवा आर्केस्ट्रा के साथ जिस समय वह सोलह साल की थी जब वह सोलह साल की थी तो एक युवा नौजवान आर्केस्ट्रा के साथ ब्रिटेन की यात्रा की थी और उसने यह फैसला किया था कि वह म्यूजिक को म्यूजिक को अपने जीवन में उतारेगी म्यूजिक उसका जीवन होगा सी ऑडिटेनेड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड अस्कोरेड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी उसने संगीत के बाल एकेडमी के लिए ऑडिशन दिया सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूजिक उसने रॉयल एकेडमी ऑफ़ म्यूजिक के लिए एक छोटा सा प्रदर्शन किया छोटा सा प्रदर्शन किया एंड अस्कोरड वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ़ द एकेडमी और वह इस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस वह धीरे धीरे वह धीरे धीरे मूव किया आर्केस्ट्रा बर्क को सोलो परफॉर्मेंस में आर्केस्ट्रा वर्क को वह जो है एकल रूपरेखा में क्योर मुड़े ऐट द एंड हर थ्री ईयर्स कोर्स और अपने तीन साल के कोर्स के अंत के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड वह अधिकांश जो टॉप अवार्ड था उसको उसने प्राप्त कर लिया तीन साल तक का कोर्स की और उसके बाद इसमें केस से संबंधित जितना भी अवार्ड थे उसको लगभग उसने प्राप्त कर लिया एंड फॉर ऑल दिस एलिवेन एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट एंड फॉर ऑल दिस और इन सब के लिए एलिवेन ने वीरता की उपलब्धि का संकेत प्राप्त नहीं किया होगा एलिवेन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic अचीवमेंट एलिवेन ने वीरता की उपलब्धि का कोई संकेत प्राप्त नहीं किया होगा इफ यू वर्क हार्ड एंड नो व्र यू आर गोइंग यू विल गेट देयर ऐसा होता है कि अगर तुम परिस कठिन परिश्रम करोगे और जानोगे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे अगर किसी कार्य के लिए तुम प्रयत्नशील हो और तुम उसके बारे में जानते हो तो वह चीज़ तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा एंड शी गॉट राइट टू द टॉप और वह प्राप्त किया सबसे ऊँची शिखर द वर्ल्ड मोस्ट साउथ साउट आफ्टर मल्टीप्रिक विथ ए मास्टरी ऑफ सम वन थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट और उसने शिखर को प्राप्त किया संसार के सबसे इच्छित वरदान को एक हजार वाद्य यंत्रों पर स्वामित्व प्राप्त करके एंड हेप्टी इंटरनेशनल शीड्यूल और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राप्त कर गए एक हजार वाद्य यंत्रों पर उसका अधिपत्य जमा हो गया इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच इलेवेन फंक्शन शो इफोर्टलेसली विदाउट ही इट इज इंटरगिविंग टू वॉच इल्विन फंक्शन एल्विन को न सुनने के बावजूद इलविन को न सुनने के बावजूद पूरे प्रयास से कार्य करते देखना मन को मोह लेने वाला है इट इज इंटरगिविंग यह जो है एक मन को मोहने वाली बात होती है टू वाच एल्विन फंक्शन शो इफोर्टलेसली एल्विन को फंक्शन को न सुनने के बावजूद पूरा प्रयास से। इन आवर टू टू आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड हम लोगों के दो घंटा के तर्क वितर्क में उसने कभी भी कोई शब्द मिस नहीं किया कोई शब्द जो है खोया नहीं मैन विथ बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल दाढ़ी वाले आदमी मुझे कष्ट देते हैं शीला फिर वह हंसी इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स सिर्फ उसका ओठ ही नहीं देखना है इट इज द होल फेस यह उसकी पूरी चेहरा है स्पेशली द आइज खास करके वह आँखें देख रहा है सी एस पिक्स भी थे स्कॉटिश लिल्ट वह बिना किसी गलती के स्कॉटलैंड देश संबंधी लय में बोली वह बिना किसी गलती के वह बिना किसी गलती के स्कॉटलैंड देश संबंधी लय में वह बोले माय स्पीच इज क्लियर मेरा स्पीच जो है मेरा आवाज़ जो है स्पष्ट है बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वाज इलेवन क्योंकि मैं सुन सकती थी तब तक जब तक कि मैं ग्यारह साल की थी सी सेज वह कहती है बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच लेकिन वह चीज़ व्याख्या करने का नहीं है कि कैसे उसने फ्रेंच सीखी एंड मास्टर बेसिस जापानी और मास्टर बेसिस जापानी को किस प्रकार से से सीखे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ थैंक यू